Good morning. So today we are going to start our new lesson. Lesson number 3, the clothes we wear. कौन से कपड़े हम पहनते हैं. सो हमारे जो क्लोथ्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्लोथ्स पहनते हैं. समर में हमें बिल्कुल लाइट कॉटन क्लोथ्स पसंद हैं. विंटर में हमें मोटे मोटे स्वेटर्स जैकेट्स ये हम सब पहनते हैं. रेनी सीजन में हमारा क्या होता है, वी यूज टू जब हम बाहर जाते हैं तो वी यूज अम्ब्रेलास एंड रेनकोट, लेकिन तब भी हमें इतने मोटे कपड़े नहीं पहनने पड़ते हैं. सो नेम द क्लोथ्स. अब दिस इज द शर्ट, SHIRT शर्ट, एंड दिस इज जीन्स, JEANS जीन्स. स्वेटर, SWEATER स्वेटर. सो वी वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्टर्स फ्रॉम सम इंजरीज सच एज इंसेक्ट्स, बाइट्स, कट्स एंड ब्रूशेस. सो जो क्लोथ्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ होते हैं और वो हमारी बॉडी को किस किस से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से, गर्मी से, ठंड से और बारिश से. तो तीनों चीज़ों से हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, क्लोथ्स कपड़े, और स्मॉल इंजरीज से भी हमें प्रोटेक्ट किया जाता है. इंसेक्ट मच्छरों से हमें, और मच्छर कीड़े मकोड़े जो भी हैं, बाइट्स कट्स एंड योर ब्रशेस. सो क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन. अब क्लोथ्स डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में कैसे होते हैं. ड्यूरिंग समर वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स. बहुत लाइट कॉटन क्लोथ्स हम पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत गर्मी होती है, हमें बहुत पसीना आता है, हम बहुत स्वेट होते हैं. सो उससे हमें घबराहट होती है, तो इस वजह से वी प्रेफर ओनली लाइट कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल, वो हमें बिल्कुल ठंडा रखते हैं. वी ऑल्सो यूज सनग्लासेस, हैट्स एंड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट ओवरसेल्फ्स फ्रॉम द सन रेज. क्यों? क्यों इस टाइम पर हम ये सब चीज़ें सनग्लासेस, हैट्स, अम्ब्रेलास क्यों लेते हैं? क्यों? वो हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट ऑफ सन. जो हीट ऑफ सन होती है वो उसकी जो रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा चुभती हैं हमें, तो वो हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है. ड्यूरिंग समर वी लाइक टू स्विम इन स्विमिंग पूल्स, और ठंड गर्मियों में फिर हम क्या करते हैं, स्विमिंग पूल में स्विम करना पसंद करते हैं. वी वेयर ए स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स इन द स्विमिंग पूल, और जब हम स्विमिंग करने जाते हैं तो वी ऑलवेज वेयर स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स. नाउ वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर सीजन. अब वुलन क्लोथ्स जो हमारे मोटे कपड़े हैं, स्वेटर है, जैकेट्स हैं, सब वुलन्स जो हैं, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. वो हमें क्या करते हैं, वो हमें गर्म रखते हैं, उससे हमें ठंड नहीं लगती है. वी वेयर स्वेटर्स, जैकेट्स, लॉन्ग कोट्स, वुलन सॉक्स, मफलर्स एंड हैट्स. ये सब एकदम से पैक होके रखते हैं जिससे हमें कहीं से भी ठंड ना लग जाए. एंड इन रेनी सीजन वी वेयर ए रेन कोट टू कीप आर सेल्फ ड्राई. वी ऑल्सो टेक अ अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम द रेन. और हम रेनी सीजन में रेनकोट पहनते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वी यूज अम्ब्रेलास. हाउ डू वी मेक क्लोथ्स अप. क्लोथ्स कैसे बनते हैं, क्या मेथड है क्लोथ्स बनाने का. लॉन्ग टाइम अगो पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लोथ्स. बहुत पहले लोगों को नहीं पता था कि कपड़े कैसे बनाए जाते हैं. दे यूज्ड टू वेयर लीव्स, स्किन ऑफ डेड एनिमल्स और बार्क्स ऑफ ट्रीज. अब वो क्या करते थे, या तो पत्तों से बनाते थे और या जो एनिमल्स की डेड स्किन होती थी उसको कर पूरा उससे अपनी बॉडी को ढकते थे, या बार्क्स ऑफ ट्रीज जो जितनी उसकी वो होती थी, हमारी छाले होती थी पेड़ की, जो पेड़ का तना था उसको लेकर या ब्रांचेस को लेकर जैसे तैसे करके उनसे वो कपड़े बनाते थे. कपड़े क्या बनाते थे, बस ऐसे अपने आप को उससे ढक लेते थे. द क्लोथ्स डैट वी वेयर टूडे आर मेड फ्रॉम कॉटन, वूल एंड सिल्क. कॉटन से बनते हैं, वूल से बनते हैं और सिल्क से बनते हैं. सो जो कॉटन है, कॉटन प्लांट्स होते हैं जो हमें कॉटन देते हैं और उससे हमारे कॉटन क्लोथ्स बनते हैं. नाउ देयर आर डिफरेंट स्टेजेस टू मेक ऑफ मेकिंग ए क्लोथ. अलग 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 स्टेजेस हैं जहाँ पर हमारा कपड़ा बनाया जाता है. मेकिंग ऑफ ए कॉटन क्लोथ, सबसे पहले
कॉटन क्लॉथ कैसे बनाया जाता है? वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, दिस इज ए कॉटन प्लांट, ठीक है। इसको हिंदी में हम कपास भी बोलते हैं, कपास। इसके ऊपर पेड़ में ऐसे करके पूरा एक फूल बन जाता है, उसमें बहुत सारी रुई आ जाती है और फिर उसको रुई को निकाल निकाल के हम भरते जाते हैं और फिर उसको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है जहाँ जाके ये कॉटन क्लॉथ में कन्वर्ट होता है। फ्रॉम द कॉटन वी मेक थ्रेड बाय प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, वही सब स्पिन होता है फैक्ट्री में जाके। देन द प्रोसेस बाय विच कॉटन थ्रेड मेक्स अ क्लोथ इज कॉल्ड वीविंग। अब जो प्रोसेस होता है, कॉटन बनता है, कॉटन थ्रेड, थ्रेड बनने के बाद बिकम्स ए क्लोथ इज कॉल्ड वीविंग, फिर उसके बाद वो वीविंग हो जाता है। अब आ जाता है हमारा वूल, मेकिंग ऑफ वूल। अब इसमें क्या है, इट्स अमेजिंग, महात्मा गांधी यूज्ड द चरखा टू स्पिन। जो महात्मा गांधी थे हमारे, वो क्या करते थे, चरखे पे स्पिन करते थे। वो चरखे पे ही सारा जितना ये रुई की बनती थी थ्रेड्स वो बनाते थे, कॉटन इनटू थ्रेड। दिस थ्रेड वाज यूज्ड टू मेक कॉटन क्लोथ्स, और फिर उसी से कॉटन क्लोथ्स बनाए जाते थे। मेकिंग ऑफ वूल, अब वूल कैसे बनती है, वूल हमें कौन देता है, शीप, भेड़, बहुत सारी भेड़ें होती हैं जिनको, जिनकी सारी बॉडी के ऊपर से उनका जितने हेयर्स होते हैं वो सब देखो सी ऐसे पूरा शेव कर देते हैं और वो बिल्कुल जैसे मोटी मोटी तो बिल्कुल पतली सी थिन सी हो जाती है। वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, सारे बालों, जितने बाल होते हैं शीप के, उससे हमारे लिए क्या बनता है, वुलन क्लोथ्स। The process by which hair is collected from the sheep's body is called shearing. Okay, so the process by which hair is collected, सारे जितने sheep के बाल होते हैं उनको हम collect करते हैं किसकी body से, sheep की body से, उसको हम क्या बोलते हैं, shearing. The sheep's hair is cleaned and made into woolen thread in machines. सारे उसके बालों को अच्छे से क्लीन किया जाता है, फिर उनको वुलन थ्रेड मशीन्स में डाला जाता है। द वुलन थ्रेड इज निटेड, और फिर उसके बाद वो उसमें निट होता है, उसमें बनता जाता है ऐसे पूरा वुलन। द वुलन थ्रेड इज निटेड टू मेक वुलन क्लोथ्स सच एज स्वेटर्स, कैप्स, सॉक्स एंड मफलर्स, ठीक है। उसमें निटिंग मतलब उसको पूरा सिलाई, पूरा उसको प्रॉपर उसकी निटिंग करके उसको पूरा शेप देकर क्या बनाया जाता है, स्वेटर्स, कैप्स, सॉक्स एंड मफलर्स। वुलन क्लोथ्स कैन बी निटेड एट होम, और कुछ बार कई बार देखोगा कि मम्मा स्वेटर्स बनाती है सिलाई, वो ऐसे ऐसे सिलाइयों में डालकर, तो वो भी बनते हैं। दे आर ऑल्सो मेड इन फैक्ट्रीज, और सारे स्वेटर्स भी हमारे मोस्ट प्रॉब्ली जैकेट्स हो, ये सब कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। हैव यू सीन एनी वन इन योर फैमिली निटिंग वूल, अगर येस तो यू राइट डाउन येस, और अगर नो तो राइट डाउन नो। सो मेकिंग ऑफ सिल्क क्लोथ्स, वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म, वी वीव द सिल्क थ्रेड टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स सच एज साड़ीज, स्कार्व्स एंड कुर्ताज। सी ये सिल्क वर्म होता है जिसको कन्वर्ट होने के बाद ऐसे सिल्क का पूरा धागा बनता है और उससे फिर क्या बनाया जाता है, साड़ीज बनाई जाती हैं, स्कार्व्स बनाए जाते हैं और कुर्ताज बनाए जाते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। सो थैंक यू वेरी मच।